Assalamu alaikum warahmatullahi wa I'm Miss Najma, teacher of Prime Public School Mumbai, supur. Dear students, how are you all? I hope you are all fine. By the grace of Almighty Allah. And inshallah, you will be always fine by the blessings of Almighty Allah. So, dear students, let me start today's hour. टिक टूडेज अवर टॉपिक इज़ गुड हैबिट्स अबाउट फूड गुड हैबिट्स अबाउट फूड खाने के बारे में अच्छी आदत हमें आज ये पढ़ना है कौन कौन से अच्छे आदत होनी चाहिए हमें जब हम झा खाते हैं तो हमें कौन सी अच्छी आदत होनी चाहिए कौन कौन से अच्छे आदत हमें इस्तेमाल करनी चाहिए कौन कौन से अच्छे आदत जो हमें सीखने ही सीखने चाहिए गज़ा खाने के लिए खाना खाने के लिए फर्स्ट लेट मी टेल यू वॉश हैंड्स अपने हाथों को धोना चाहिए वॉश करना चाहिए यू शुड वॉश योर हैंड्स एवरी टाइम बिफोर ईटिंग आपको अपने हाथ धोने ही धोने चाहिए खाना स्टार्ट करने से पहले खाना खाने से पहले स्टेप टू यू शुड स्टार्ट फ्रॉम बिसम बरकतिल्ला ये वो दुआ है जो हमें पढ़नी ही पढ़नी चाहिए खाना खाने से पहले खाना स्टार्ट करने से पहले जो भी कोई दुआ पढ़े बिस्मिल्ला, बिस्मिल्लाह, बसमिल्ला बरकतिल्ला, ये जो दुआएं पढ़ते हैं उन पे अल्लाह की रहमत बरसती है। शैतान उनके साथ बिल्कुल भी शामिल नहीं होता बिस्मिल्लाह जब हम पढ़ते हैं तो उसका मानी हुआ है शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है बिस्मिल्लाह ही वो अला बरकतल्ला ए अल्लाह जो भी हम खाते हैं उसमें आप अपनी बरकत फरमा इफ टू से बसमिल्ला बरकतिल्ला बिफोर स्टार्टिंग द मील्स ही शुड से अव्वला हो व आखिर हो इट मीन्स आई स्टार्ट इन नेम ऑफ अल्लाह एट द बिगनिंग एट द एंड अगर कोई शख्स वाला बरकतिल्ला भूल जाए खाना खाने से पहले तो उसे क्या पढ़ना चाहे बिस्मिल्लाह अ हो व आखिर हो इसका मतलब ये हुआ मैंने अल्लाह के नाम से ही शुरू भी किया है और ख़त्म भी अल्लाह के नाम पे ही करता हूँ स्टेप थर्ड ड्रंक वाटर पानी पीना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द मील्स यू शुड ड्रिंक वाटर खाना स्टार्ट करने से पहले आपने पानी पीना ही पीना चाहिए पानी पीना चाहिए सेहत के लिए भी अच्छा होता है और हमारी अच्छी आदत भी बन जाती है स्टेप फोर्थ ईट हेल्दी फूड हमें सेहतमंदा खाना चाहिए सेहतमंद झा हमें फ़िज़िकली भी फ़िट रखता है मेंटली भी हम फिट रहते हैं हम तंदुरुस्त रहते हैं किससे हेल्दी फूड से जो ताकतवर गज़ा खाता है उससे हम फिट रहते हैं लाइक like सैलड्स होते हैं वेजिटेबल्स होते हैं वेजिटेबल्स हम किन को बोलते हैं सब्जियों को शाबाश फ्रूट्स होते हैं वगैरह वग़ैरह दूध पीना चाहिए हेल्दी फ़ूड में आता है कौन दूध आता है वेजिटेबल्स हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं

आपको अपना गज़ा चबाना चाहिए जो भी आप खाते हो वो आपको थर्टी टू टाइम्स चबाना चाहिए इससे क्या होता है एक तो गज़ा भी अच्छे से डाइजेस्ट होता है डाइजेस्ट होता है यानी हजम होता है और हमारी एक्सरसाइज भी होती है यानी दांतों की एक्सरसाइज़ होती है ब्रेन की एक्सरसाइज होती है जो हम चबाते हैं खाना थर्टी टू टाइम्स उससे हमारी एक्सरसाइज़ भी होती है ये खाना ज़रूरी चबाना चाहिए कितनी बार थर्टी टू टाइम्स और जब हम सब कुछ ख़त्म करते खाना भी ख़त्म करते तो उसके बाद क्या दुआ पढ़नी चाहिए अल्हद ला अमाना अत अमन्ना वसा क़ाना वजना मिनलमुसलमदिल्लाजी अत अमाना वस क़ाना वज अल्ना थैंक यू इट्स फॉर Today, stay home, stay safe. Allah Hafiz.